असलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ तमाम आप खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे, हंसे होंगे और मुस्कुरा रहे होंगे। आज आप देख रहे होंगे पैंट कोट और टाई के अंदर, कोट तो खैर नहीं है, गर्मी से बुरा हाल है, लेकिन क्या करें, लेकिन चलें कुछ ना कुछ चलता है। और ये इल्ज़ाम जो जाता है, जिसका सहरा जाता है, इस लड़की को जाता है, बाद में रीज़न बताऊँगा, पहले लोगों से मुलाकात करवाता हूँ। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जनाब एडवोकेट जमशेद साहब, और उनके साथ मौजूद हैं इरफान मलिक साहब, और उसके साथ मौजूद हैं, इनका नाम मुझे आता नहीं है, आपका एक नाम बहन आरजे सुंदर श्रेयाज मुझे आता था जी। तो आज ही हमारी बड़ी अच्छी मीटिंग हुई है अस्मे आली शान के हवाले से, ये जो है अपनी एक तंजीम जो है उसे चला रहे हैं, और फ्यूचर में चल के उसके हवाले से जितने भी इनिशिएटिव ये लेंगे उस पर काम कर रहे हैं, किन मुस्तहिक लोगों के लिए काम कर रहे हैं, काम करने का ख्याल कैसे आया, कौन कौन से उसके अंदर न्यू इनिशिएटिव हैं, अब तक क्या क्या काम कर चुके हैं, और कहाँ कहाँ अपने अच्छे तरीके से अपने हिस्से की शम्मा जो जला चुके हैं, वो तमाम चीज़ें आपको बताएंगे इन फ्यूचर में चल के। आज सुंदस ने ये मीटअप हमारा करवाया, सुंदस थैंक यू सो मच, इतने अच्छे लोगों से आप बोल रहा मेरी जी जी। तो ऐसे में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोगों को जानती हूं ठीक है। तो लास्ट टाइम कुछ ऐसा हुआ कि फहद, क्योंकि आपको फहद को देखते रहते हैं कि अचक में फहद जो है वो बहुत ज़बरदस्त काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छे अच्छे टैलेंट को लेकर आता है, बुराइयाँ भी दिखाते हैं, सारा कुछ होता है, मगर अच्छाइयाँ भी, और उसके अलावा न्यूज़ जो है वो लम्हा ब लम्हा आपको अपडेट देता है। कुछ इस तरह हुआ कि जमशेद भी बहुत अच्छे दोस्त हैं और फहद भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो ये दोनों सेम एक ही जगह पर बैठ के लाइव आए हुए हैं और ये दोनों आपस में एक दूसरे को नहीं जानते, तो मैंने सोचा कि दोनों का मकसद एक है, दोनों एक ज़बरदस्त किस्म के मकसद पर काम कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं इन दोनों का जो है मैं इसी तरीके से करवा दिया। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में चल के इनसे काम इनसे जितना भी काम होगा वो आपको दिखाएंगे, तब तक के लिए अल्लाह।